ये देखिए गोलगप्पे जैसे फूली फूली आलू के पकौड़े, एकदम चटपटे आलू के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं। इस वीडियो में मैं आपको फूले फूले आलू के पकौड़े बनाने की एक अनोखी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपके भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये पकौड़े मेरे हबी के फेवरेट है, ज़रा चख के बताइए। आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा, तो बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आलू पकौड़े की रेसिपी जानेंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तीन आलू से पूरे परिवार के लिए चटपटा और करारा नाश्ता, जिसे खाने के लिए पड़ोसियाँ भी आपके घर बहाना बना कर आएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पकौड़े बनाने को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, वाह क्या बात है। तो चलते हैं किचन में। आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में एक कप छना हुआ बेसन लेंगे और फिर 2 टेबल स्पून भर के चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी बनेगी और ज़्यादा तेल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। फिर 1 टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों पर अच्छे से क्रश करके डालेंगे। फिर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और लंच फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हमने इसमें बेकिंग सोडा या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे हमें 4 से 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटना है। हमने इसका एक लंच फ्री बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। हमें बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसका लास्ट ड्रॉप आराम से गिर रहा है। इसे 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसका छिलका उतार कर इसे पानी में रखा है ताकि आलू काले ना हो जाए। एक दूसरे बाउल में हमने पानी भर कर रख लिया है और एक ग्रेटर या नाइफ की हेल्प से हम इसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इसके स्लाइसेस जितने पतले होंगे पकौड़े उतने ही अच्छे बनेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि बीच में आलू कच्चे रह जाए। सेम प्रोसेस से सारे आलू के पतले पतले स्लाइसेस कट करके रेडी करेंगे। हमने सारे आलू के स्लाइसेस कट कर लिया है। अब इसे पानी से निकाल कर एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आलू पर पानी रह जाए तो बैटर अच्छी तरह कोट नहीं होगा। अब चलते हैं पकौड़े फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमें अच्छा गर्म चाहिए और आलू के स्लाइसेस ड्राई हो चुके हैं। इसे बैटर में डिप करेंगे और सीधे गर्म तेल में डालेंगे। ये देखिए तेल में जाते ही पकौड़े कैसे गोलगप्पे की तरह फूल रहे हैं, जबकि हमने इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप बिना बैटर सेट किए इंस्टेंट पकौड़े बनाना चाहते हैं तो तलते समय बैटर में 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, बट बेकिंग सोडा ऐड करने से पकौड़े की क्रिस्पनेस लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती। एक बार में जितने पकौड़े कढ़ाई में आ जाए उतना हम तल लेंगे और फिर जब पकौड़े फूल कर ऊपर आ जाए तब फ्लेम को मीडियम करके इसे गोल्डन होने तक सेक लेंगे। हमारे पकौड़े दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल कर एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। आप इसे टिश्यू पेपर पर ट्रांसफ़र ना करें, वरना ये क्रिस्पी नहीं रह जाएगा। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के बचे हुए पकौड़े भी तल कर रेडी करेंगे। एक बार के पकौड़े को सिकने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। हमारे सारे पकौड़े बनकर रेडी हैं। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। पकौड़ों को आप अपने पसंद के चटनी या सॉसेज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रेसिपी के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।